Hi everyone, welcome to my channel. My name is Priya Deogra and I'm back again with another video. आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ एक सर्टिफिकेशन और एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी. ये सर्टिफिकेशन आपको मिलने वाली है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर. और अगर बात करें इंटर्नशिप की, सो इंटर्नशिप आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगी, जिसमें अगर आपको कोई स्किल्स नहीं आते तब भी आप जाके आराम से अप्लाई कर सकते हैं. और यही नहीं, घर बैठे आप ये पूरा काम करेंगे, स्किल्स सिखाए जाएंगे पहले इनकी तरफ से आपको, और आपको मौका मिलेगा इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स पे काम करने का. सो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक. कंप्लीट डिटेल्स की बात करेंगे किस तरह से हम इस इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कैसे ले सकते हैं. बाकी अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को. वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी. अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें. चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म की तरफ. आज का जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म है वो है द डिजिटल अड्डा का. द डिजिटल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे जावा प्रोग्रामिंग की नई सर्टिफिकेशन निकल कर आ रही है. सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग के अलावा और भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पास रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, नोड जेएस, एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग जैसी और भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं. सो एक बार आप इनका क्विज का सेक्शन ज़रूर से एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको ढेरों सारी सर्टिफिकेशन क्विजेज यहाँ पे मिल जाएंगे. क्विज कंप्लीट करने से पहले आपको इंटर्नशिप पे लेके जाना चाहूँगी. डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप इनके प्लेटफॉर्म पे अब लाइव है. सो बेसिकली आपको डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है. डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की हायरिंग यहाँ पे चल रही है. कैंडिडेट्स को SEO, SMO, SEM, SMM, PPC, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग जैसे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती है. सोशल मीडिया हैंडल करने को दिया जा सकता है. प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी आप हैंडल करेंगे. मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन में भी आप देख सकते हैं मेनली आपका जो है वो SEO से रिलेटेड काम होगा. वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे लेकर आना है, सोशल मीडिया हैंडल करना है, अगर कोई भी टास्क आपको क्लाइंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड दिया जा सकता है. सो यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं रखी गई हैं. बेसिक लेवल की आपको जो है वो रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं. 8 hours तक आप यहाँ पे काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम है टोटली. और स्टाइपेंड के तौर पे आपको यहाँ पे 15,000 rupees का स्टाइपेंड यहाँ पे मिल सकता है. बट डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो हो सकता है आपको ज़्यादा स्टाइपेंड भी यहाँ पे मिल जाए. ड्यूरेशन की बात करें तो 2 months की आपकी ड्यूरेशन रहेगी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक स्किल्स के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. लास्ट डेट की बात करें तो ये पूरा मंथ आपके पास एप्लीकेशन ओपन है. 31 May विल बी द लास्ट डेट टू अप्लाई. सो फटाफट से आपने क्या करना है, जाना है और अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है. क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे खुलकर आ जाएगा. कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म है. ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप लास्ट में सेंड कर सकते हैं. कोई भी डाउट रहता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. बाकी अब हम चलेंगे हमारे क्विज के तरफ. क्विज है हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग के अंदर. जावा प्रोग्रामिंग के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 10 questions आपसे पूछे जा रहे हैं. मल्टीपल चॉइस तरह के रहेंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 10 में से अगर आप 8 भी क्लियर कर लेते हैं तो आप यहाँ पे आराम से अपनी सर्टिफिकेशन ले पाएंगे. बस आपको क्या करना है, बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पे देनी है अपनी. यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपका नाम. नाम देने के बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं. नाम और ईमेल आईडी देते ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और आपका क्विज यहाँ पे खुलकर आने वाला है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 questions आपसे पूछे जा रहे हैं. सो ये 10 questions आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपकी सर्टिफिकेशन जनरेट होकर आ जाएगी. सो मैं अब क्या करने वाली हूँ, फटाफट से 10 के 10 question ये कंप्लीट करूँगी, उसके बाद हम यहाँ पे सर्टिफिकेशन की बात करेंगे.
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्विज़ तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। बात आती है स्कोर की, तो यहाँ पे आप स्कोर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। 100 out of 100 आप देख सकते हैं, 100% मार्क्स के साथ हमने ये क्विज़ कंप्लीट किया है। सो सिमिलर वे में आपने क्या करना है, आपने भी क्विज़ कंप्लीट करना है। और अब चलेंगे हम सर्टिफिकेशन की तरफ। सो मेल आईडी पे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दी होगी, उसी मेल आईडी पे आपका इस तरह से सर्टिफिकेट जनरेट होकर आ जाएगा। सो ये एक वैलिड वेरीफाइड सर्टिफिकेशन, एमएसएमई का लोगो लगा है, डिजिटल अड्डा का है, आईएसओ सर्टिफाइड का है। सो आप देख सकते हैं, एक वैलिड वेरीफाइड सर्टिफिकेशन आपको विद इन 2 मिनट्स बहुत आराम से मिल जाएगी। बस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कोई वीडियो के अंदर डाउट रह गया होगा, पूछना ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से जुड़िएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।